सो हेलो, वेलकम यू ऑल। आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले भारतीय एयरटेल के बारे में। तो देखते हैं ये आगे क्या करेगा, कौन से लेवल तक ये बढ़ा है, कहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, कहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, और कौन से लेवल तक ये जा सकता है, कहाँ तक ये बढ़ेगा। और तो काफ़ी कुछ आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं भारतीय एयरटेल के ग्राफ पर आ गया हूँ। तो ग्राफ के हिसाब से अगर देखें तो 578 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, और 13 रुपये 20 पैसे शेयर आज बढ़ता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर अगर साथ ही अगर बात करें तो 568 पर ट्रेड कर रहा था। अगर मैं बात करूँ आज के टाइम की तो 5 रुपये स्टॉक नीचे की ओर हमें गिरता हुआ यहाँ पर दिख रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 562 से स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की ओर ट्रेड किया, 17 रुपये तक बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर बढ़ा और 578 रुपये इसने क्लोजिंग क्लोजिंग इसने दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 5 रुपये पर स्टॉक आप देख सकते हो 546 पर ये ट्रेड कर रहा था। फिर ये थोड़ा सा नीचे गया लगभग 541 के लेवल पे, फिर अच्छा इसने हाई लगाया लगभग आप देख सकते हो 32 रुपये तक का, और इस स्टॉक की कीमत तब चल रही थी 573 रुपये। फिर ये नीचे आया, अगर 13 रुपये नीचे आ गया था, फिर अच्छा ऊपर ट्रेड किया और 578 तक ये गया है, और अभी ये 578 पर ही ट्रेड कर रहा है। एक महीने की बात करें तो 526 से स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है, 54 रुपये तक ये स्टॉक बढ़ा है। और बात करूँ मैं एक 6 महीनों की, पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक लगभग 22 रुपये गिरता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। 600 आप देख सकते हो 600 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक इसमें सडनली इसमें गिरावट देखने को मिली, 92 रुपये तक स्टॉक गिर गया। 4 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक 92 रुपये तक स्टॉक गिर गया। फिर 507 रुपये से अगर देखें तो 64 रुपये तक स्टॉक बढ़ गया 25 मार्च से लेकर 10 मई तक। 11 मई तक अगर बात करें तो 60 रुपये तक स्टॉक बढ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 मई से ले गए तो देख सकते हो यहाँ पर 27 मई तक, 10 मई से लेकर 27 मई तक 52 रुपये तक इसमें गिरावट देखने को मिली। फिर उसके बाद अच्छा खासा ऊपर की ओर गया 27 रुपये तक, फिर नीचे आया, फिर अभी ये ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। तो 6 महीने की बात करूँ तो इसमें गिरावट ही देखने को मिलेगी। और बात करें 1 साल की तो हाई राइस काफ़ी अच्छे हाई राइस ने लगाया है। पहले इसने लगा 555 का, फिर नीचे आया, फिर 397 रुपये से लेके गया 200 का रिटर्न दिया, लगभग 600 तक बढ़ा, फिर नीचे की ओर आता हुआ दिख रहा है। तो 29 रुपये की गिरावट हमें यहाँ पर 29 रुपये का हमें इसमें उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है और ये आगे भी बढ़ सकता है। तो बात करेंगे अब इसके मार्केट कैप की। तो इसका मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो 3.19 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो इसे लार्ज कैप शेयर बनाता है। इसे लार्ज कैप शेयर बनाता है 3.19 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और साथ ही डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो 0.74% डिविडेंड भी इसने दिया था। और बात करते हैं 52 वीक का है कि 52 वीक का है कि अगर मैं बात करूँ तो 623 रुपये इसने हाई लगाया था, और साथ ही अगर बात करें इसके 52 वीक के लो की तो 394 रुपये इसने 52 वीक का लो भी यहाँ पर लगाया है। तो काफ़ी कुछ अच्छा इसमें घटा है। अगर पिछले साल की बात करें तो हमें अच्छे हाई राइज देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी स्टॉक में अभी भी बढ़त हमें देखने को मिल नहीं रही है, बट जब भी ये बढ़ेगा तो 1000 रुपये तक ये तो स्टॉक बढ़ ही जाएगा अगर इसमें हम इसका अगर हम फ्यूचर देखें तो। तो बात करेंगे अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका चार्ट। तो चार्ट की अगर बात करें तो जैसे कि हमने एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस के हिसाब से काफ़ी हद तक हमारा एनालिसिस सही गया था, और स्टॉक में काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए। आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था कौन से लेवल पर, 530 के लेवल पर, तब हमने ऐसा राइजिंग वेज जैसा पैटर्न बनाया था। तब ये स्टॉक नीचे की ओर आया, फिर ऊपर गया, फिर 531 के लेवल पर इसने हमें रिजेक्शन मिला, फिर सपोर्ट लिया कौन से लेवल पे, 520 के लेवल, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया 522 के लेवल पे, फिर ऊपर गया लगभग आप देख सकते हो 539 के लेवल पर इसने फिर से इसे रिजेक्शन मिला 539 के लेवल पे, कहाँ पर, यहाँ से फिर नीचे आया और 525 के लेवल पर फिर से सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्शन दिया 545 के लेवल पर, फिर यहाँ पर काफ़ी हद तक ये नीचे की ओर ट्रेड कर रहा था, नीचे की ओर ये साइडवेज गया, देख सकते हो कौन से लेवल तक ये साइडवेज जा रहा था, लगभग ये जा रहा था 524 के लेवल, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर फाइनली इसने ऊपर गया, यहाँ पर ब्रेकआउट तो मिला बट ब्रेकआउट एक चल नहीं पाया, फिर नीचे की ओर आ गया, फिर यहाँ से पता नहीं कैसे रिवर्स हुआ, काफ़ी बाइंग इसमें, काफ़ी हैवी बाइंग इसमें हुई, नीचे आया, ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट मिला जहाँ पर मैं इस लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा, बट यहाँ पर नहीं मिला, हमें ब्रेकआउट मिला इस लेवल पे,
इस लेवल पे मिला, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टॉक ने रिट्रेस किया और रिट्रेसमेंट अभी भी पूरा हो गया है और अभी स्टॉक सीधे हायर राइस लगाएगा और देख सकते हो 600 रुपये तक ये जाता हुआ मुझे इजीली दिख रहा है। 600 रुपये तक तो ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसके पिछले रिकॉर्ड की, पिछले रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या हमें होता हुआ यहाँ पर देख सकता है। तो इसे मैं 2 hour टाइम फ्रेम पर यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर इसने इसका पिछला हाई भी ब्रेक कर दिया है। जो इसका पिछला हाई था वो था 577 रुपये का, तो उसने इसका पिछला हाई भी ब्रेक कर दिया है और अब ये 577 का जो इसका हाई है मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसे इसने ब्रेक कर दिया है और ये चल रहा है 578 के लेवल पर, 578 के लेवल पर ये चल रहा है और इसने ऊपर के लेवल्स को ब्रेक कर दिया है और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था इसका ए वाला इम्पोर्टेंट लेवल था उसे यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की पर इतना ये चल नहीं पाया और फाइनली इसने यहाँ पर जैसे ब्रेक किया है तो आप देख सकते हो कितना हायर हाई से लगाने वाला है गाइस। तो काफ़ी इसमें अच्छा पॉजिटिव होने वाला है, अभी स्टॉक नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि इसने ब्रेकआउट हो दे दिया है, तो भी कंफर्मेशन के लिए आप रुक सकते हो और थोड़ा वेट कर सकते हो कि ये स्टॉक इतना बढ़ता है। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।